क्या जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो क्या हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं कि मेरे अंदर ये गुनाह है, खुदा मुझे माफ कर। मैं आपको बताता चलूं, अगर आज आप अपने गुनाह को नंगा नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा गुनाह आपको दुनिया के सामने नंगा करके रख देगा। बहुत ज्यादा आज ऐसी बीवियां हैं जो अपने खावन से छुपकर जिनके गैर मर्दों के साथ राबते और ताल्लुकात हैं। बहुत ज्यादा शोहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों से छुपकर पराई औरतों से बातें करते हैं, पराई औरतों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। बहुत ज्यादा बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से छुपकर किसी मर्द के साथ जुड़ी हुई हैं, राबते करती हैं मोबाइलों के जरिए से। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप से छुपकर गंदी वेबसाइट्स को देखते हैं, गंदा मुआद देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, रातों रात उनके पैकेजेस लगे होते हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? क्या शोहर बीवी को धोखा दे रहा है? क्या बीवी शोहर को? क्या बेटी मां बाप को, बच्चे मां बाप को धोखा दे रहे हैं? नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। खुदा हर जगह मौजूद है। और याद करें, आज आप जो कुछ कर रहे हैं कल को आप को इन सारी चीजों का खुदा को जवाब देना होगा। हम कहते हैं चर्च में आके कि यीशु तू ही मेरा खुदा है। खुदा कहता है हां मैं तेरा खुदा हूं, लेकिन तेरा मोबाइल भी खुदा बन चुका है, तेरा खुदा तेरी फेसबुक भी बन चुकी है, तेरा खुदा तेरा महबूब भी बन चुका है, तेरा खुदा तेरा पैसा बन चुका है। और खुदा कहता तू मेरे आगे कोई गैर माबूद को ना मानना।